हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज. द वन हु आर डूइंग इंजीनियरिंग, दैट इज अगर आप बीटेक या बीई कर रहे हो या आप एमटेक और एमई कर रहे हो, सो देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू. दैट इज गोल्डमैन सैक्स, विच इज वन ऑफ द वेरी यू नो हाईली पेड इंडस्ट्री. जो आपको सैलरीज मिलती है, दे आर द बिगेस्ट पे मास्टर्स इन द इंडस्ट्री एंड दे आर हायरिंग engineers in India for their Bangalore campus. Yes, so this time, for the very first time, they're doing this thing in India and hopefully aage aane wale saalon mein bhi ye continue rahega for specifically their Bangalore office for this year and maybe it may expand from the coming years. So, ye sab kya hai? Isme aap kya kar sakte ho? Kaun iske liye eligible hai? Wo hum sab kuch discuss karenge is video mein. So just watch the video till the end to get the complete information कि आप कैसे यहाँ पर job पा सकते हो या कैसे even आप यहाँ पर internship पा सकते हो. So let's start with the thing. ये link मैं आपको इस video के description में दे दूँगी ताकि आप उनकी site पे जाकर ये information दोबारा से check भी कर सकते हो. Okay? अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि job किस तरह की होगी. Job जो है वो basically IT से related ही है. It's for IT and computer science engineers. Although उन्होंने एलिजिबिलिटी में मेंशन नहीं किया है कि आपकी जो इंजीनियरिंग है वो आईटी या कंप्यूटर साइंस से ही होनी चाहिए, आप किसी दूसरी स्ट्रीम से भी हो सकते हो. यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन. सो यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आपको देना होगा. ठीक है, सो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इसको दे सकते हो, इस टेस्ट को. Unfortunately, जो students BCA या BSc computer science कर रहे हैं वो इस test में नहीं बैठ सकते हैं. But yes, B.Tech and BE students can do that. So, as you can see, यहाँ पे लिखा है eligibility क्या है. This program is open to all engineering students in India across pre-final and final year of graduation and post-graduation and is ideally suited to those with less than 12 months of work experience. So obviously, since आप student हो तो आपके पास work experience नहीं होगा, you are fresher. So they are encouraging freshers. वो चाहते हैं कि जो freshers हैं वो काम करने के लिए आए. इसलिए आपके पास जो experience है वो less than 12 months का होना चाहिए, अगर आपने कहीं पे काम किया भी है तो भी. Now, what do we mean by pre-final and final year? अगर ये आपका final year है, मतलब आप 2020 में graduate हो जाओगे, then they are going to hire you for full time. ठीक है, आप एक full time employee की तरह hire हो सकते हो. लेकिन अगर आपका ये अभी second last year है, मतलब आप 2021 में जाकर graduate हो गए या post graduate हो गए, तो as an intern भी आप उन्हें join कर सकते हो next year. So they are also providing you internship for the students who would be graduate in the next to next year. ठीक है, कौन सी सिटी में आपको जॉब मिलेगी? ऑब्वियसली बेंगलुरु. अभी बाकी और सिटीज में इनके ऑफिसेज में आपके पास ऑप्शन नहीं है. अब ये एंट्री शुरू हो चुकी है जुलाई 29 से, बट लाइक इट्स ओके, वी आर अ बिट लेट, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. आज ऑलरेडी 9th अगस्त हो गई है, बट स्टिल आपके पास टाइम है. आपके पास 17th अगस्त 11:59 तक का टाइम है टू रजिस्टर योरसेल्फ. तो अभी भी आपके पास बहुत दिन है रजिस्टर करने के लिए. सो हरी अप, जस्ट गो थ्रू दिस स्टफ. इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन सी रजिस्ट्रेशन और कब कहाँ टेस्ट आ जाएगा. तो अगर आप ऑलरेडी अपने लॉजिक स्ट्रांग रखते हो, अपना एप्टीट्यूड स्ट्रांग रखते हो, यू आर ऑलवेज रेडी टू सिट फॉर सच कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. सो ये जो है आप रजिस्टर आज ही कर लेना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. वंस आई टेल यू हाउ टू गो फॉर इट, हाउ टू रजिस्टर, so you can go and register yourself. 17th तक की डेट है हमारे पास और एग्जाम 18th को है. yes, you don't have much time for the exam. ये नहीं है कि 17th तक register करेंगे उसके दो महीने बाद एग्जाम होगा. sorry, ऐसा नहीं है. एग्जाम आपका 18th अगस्त को ही है. so आपके पास इनके 8 दिन है to practice for this. okay, now engineers में hiring हो रही है सिर्फ engineering के लिए. जो आपका असेसमेंट ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स है, मतलब 2 घंटे का एग्जाम आपको देना है. टाइम आप चूज कर सकते हो सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में. यू हैव टू गिव दिस टेस्ट, सो मॉर्निंग 11 टू 3 पीएम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो आपको देना है. जो फुल टाइम है जो 2020 में होंगे
आपके ग्रेजुएट होंगे उनके लिए फुल टाइम एनालिस्ट की जॉब है, और जो 2021 में ग्रेजुएट होंगे उनके लिए इंटर्नशिप की है. दोज आर योर प्री फाइनल ईयर. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू रजिस्टर? ये तो ठीक है, हमने बोला कि 17th तक आपको रजिस्टर करना है. सो रजिस्टर कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. जब आप रजिस्टर करोगे तो टेस्ट का जो लिंक है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और उसी लिंक पे क्लिक करके आपको 18th अगस्त को वो टेस्ट देना है. सो स्टेप्स क्या है वो भी हम एक बार फिर से बाय एंड ऑफ द वीडियो कंक्लूड करेंगे कि किस स्टेप्स में आप रजिस्टर करोगे और किस तरह से आपका टेस्ट होगा. ठीक है, हु कैन अप्लाई ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पढ़ाई क्या करनी है आपको इसके लिए. ठीक है, ये असेसमेंट हो रहा है, ये 18th को होगा, आप रजिस्टर कर लोगे, आपके पास लिंक आ जाएगा, ऑल गुड फाइन. बट आपको पढ़ना क्या है इसके लिए, असेसमेंट में होगा क्या? सो ये जो है असेसमेंट, ये आपको अपने 2 घंटे में पूरी करनी है. दैट इज कंप्लीट द असेसमेंट विद इन द टेस्ट डेडलाइन. द टेस्ट विल हैव 4 sections दैट नीड टू बी आंसर्ड इन 2 hours, और सारे सेक्शंस मैंडेटरी हैं, कंपलसरी आपको सबके सब कंप्लीट करने हैं. एक ईमेल आईडी से रजिस्टर करने के बाद आप टेस्ट को एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और 120 मिनट्स आपको मिलेंगे उसके लिए. जो 4 sections हैं वो क्या हैं? अब जो पहला सेक्शन है वो है कोडिंग सेक्शन, जिसमें आपको 2 programming questions दिए जाएंगे एंड 30 minutes दिए जाएंगे. सिंस वी कैन सी 30 minutes में 2 programming questions दिए जाएंगे, सो दे शुड नॉट बी वेरी टफ. वो कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसे कि सॉर्टिंग से रिलेटेड, सर्चिंग से रिलेटेड, या लूप्स एरेज से रिलेटेड, यू नो सम बेसिक लॉजिक्स काइंड, या कुछ छोटी छोटी गेम्स जो बनाने को होती है वो आ सकती हैं आपको. देन मल्टीपल चॉइस सेक्शन विल हैव 10 MCQs. सो ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके पास और एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको 10 MCQs दिए जाएंगे. 30 मिनट्स होंगे आपके पास जिसमें आपको उसे सॉल्व करना होगा. ये जो है सेक्शन 3, ये आपका पूरा बेस होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे, क्योंकि ये 45 मिनट्स आपको दे रहे हैं एंड देयर इज जस्ट 1 program question. सो ऑब्वियसली सिंस ये एक ही कोडिंग क्वेश्चन है, 45 मिनट्स मिल रहे हैं, तो ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा. आपको पूरी केस स्टडी दी जाएगी जिसमें से आपको उस पूरी केस स्टडी को समझना होगा, एंड देन आपको देखना होगा कि आप उसमें कौन सी टेक्निक, कौन सा एल्गोरिथम लगाओगे ताकि आप रिजल्ट कंक्लूड कर सको. So it would be going to be like difficult keh lo ya challenging keh lo, to aapko uske accordingly prepare karna padega. Aur best cheez aise question ko prepare karne ke liye hota hai data structure and algorithms. So if you are very good in data structures, to aapko waise hi competitive exams mein dar lagna hi nahi chahiye, kyunki aapke logics bahut strong hote hain. Par agar nahi bhi hai to go ahead, prepare for it. Hamesha apne data structures pe kaam karte raho jab tak aap पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो कि यस यू हैव बिकम वेरी गुड इन डेवलपिंग लॉजिक्स. सेक्शन 4 जो है वो सब्जेक्टिव सेक्शन है, जिसमें 2 questions होंगे. सो ये 2 question किसी भी चीज पे बेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को भी चेक कर रहे हैं. सो दे माइट बी डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दे माइट बी डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और यू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, समथिंग लाइक दैट. तो वो सब्जेक्टिव है, जिसमें आपका व्यू पॉइंट पूछा जाएगा कि किस तरह से आप एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो. सो इट वुड बी क्वेश्चंस लाइक दैट. सो ये 4 sections हैं जो आपको 2 घंटे में ऑनलाइन सॉल्व करने होंगे. ठीक है, उसके बाद जाकर होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग. सो जिन लोगों के ये टेस्ट में स्कोर अच्छा होगा उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर फर्दर इंटरव्यूज, और उनको फिर अगस्त एंड या सितंबर में इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा. So shortlisted candidates को email आ जाएगी, फिर उनको invite करेंगे for the interview which you have to give, and if you're selected, so you would be joining the big brand that is Goldman Sachs in 2020. That would be great. So I would wish you all the very best कि आप इसे register करो, और आप में से कुछ लोग जरूर उसे join करें, और मुझे भी बताएं कि किसने टेस्ट दिया, किसने रजिस्टर किया, और जो भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो. कोई आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कहीं पे दिखता है, कोई प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा कैसे बनेगा, यू कैन आस्क मी दैट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट. एंड दैट इज इट, दैट्स अबाउट बेसिक थिंग कि टेस्ट में क्या क्या होने वाला है. सो अभी आपके स्टेप्स क्या हैं? आपका सबसे पहला स्टेप है रजिस्टर करना.
सो यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे इस साइट को खोल के, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. सो यू हैव टू ओपन इट एंड देन क्लिक ऑन रजिस्टर. सो इस पे क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर करोगे. देन एट माय जीएस इवेंट्स क्लिक टू रजिस्टर एज अ न्यू यूजर, एंटर योर डिटेल्स. सो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो जो वो पूछेगा आपको एंटर करके सबमिट करना है. जब आप रजिस्टर कर दोगे उसके बाद जब भी आपको मेल आएगी जिसमें आपको टेस्ट का लिंक दिया जाएगा जो कि 18 अगस्त को होगा. एंड एक और वीडियो मैं अभी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो इन्होंने एक सैम्पल पेपर दिया हुआ है हमें, उसको हम रजिस्टर करने के बाद ही ओपन कर सकते हैं. सो हैव टू फिल इन द डिटेल्स एंड ओपन इट. सो आई विल ओपन दैट एंड कल मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आपको एक सैम्पल टेस्ट पेपर भी दिखा सकूँ. सो आई विल बी अपलोडिंग दिस टुमारो, बट आज के लिए जस्ट ओपन दिस साइट, गो थ्रू दिस, रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इसमें कोई भी बैकलॉग या उसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो एज सच जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है साइट पे, उसमें आपकी परसेंटेज के ऊपर, आपकी बैक्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर इट. सो गो अहेड, अप्लाई फॉर इट एंड ट्राई योर लक. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी समझ आई होगी एंड यू शुड टेक अ चांस ओवर देयर एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस टेस्ट विच इज ऑन 18 अगस्त. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.